पोकेमोन जर्नी के एपिसोड 13 में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग जा रहे हैं टीम रॉकेट के हेड जियोवानी को हराने के लिए। तो चलो जल्दी से चलते हैं और उसको हरा देते हैं। ओके। अरे दोस्तों यहाँ पे देखो, ये कौन सी मशीन है? अरे दोस्तों मुझे लगता है यहाँ पे ना ये पोकेबॉल्स को लाते हैं और इलीगली दूसरी कंट्रीज में पोकेमोन्स को बेचते हैं। अरे तो कितनी गलत बात है। ओए हमें ये पुलिस को बताना ही होगा। ओके। तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें लिफ्ट की तो मिलेगी नहीं। हमें पहली लिफ्ट की मिल चुकी है। दोस्तों मेरे को करना ही होगा। दोस्तों इस बार तो मैं सही रास्ता ढूंढ के रहूंगा। ए हाँ ढूंढ के रही हो, हमेशा गलत रास्ता ढूंढता है। अबे चुप कर। और इस रास्ते को पार करते ही हम शायद लिफ्ट तक पहुंच जाएंगे। ऐसा ही होना चाहिए जैक भैया। अरे दोस्तों अब मेरे को कहाँ जाना है, इस साइड जाओ या इस साइड जाओ? जी क्या पता, तू देखना। हाँ भाई एक काम करता हूँ, इधर चलता हूँ, इधर से इधर आ जाता हूँ। फिर उसके बाद एक काम करता हूँ, इधर चलता हूँ। अरे 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 इधर से इधर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे बहुत बढ़िया गाइस, आपको क्या लगता है हम लोग बाहर जा पाएंगे? कमेंट्स में जरूर बताना। दोस्तों मेरे को लग रहा है मैंने पूरा कोड क्रैक कर दिया है। पक्का कसामा? हाँ भाई शिनचैन ये देख, अगर हम इस वाले पे चढ़े तो हम इधर से टकरा के इधर आके रुक जाएंगे। और फिर हमें ना यहाँ पे एक काम करना है, इस वाले में चढ़ेंगे ना अगर हम, तो इधर से जाके उधर टकरा के हम वापस उस येलो वाले पे रुक जाएंगे। अरे भाई वाह। और अगर हम इस पे जाएंगे तो हम बाहर। और दोस्तों देखो वो लिफ्ट। बढ़िया बहुत बढ़िया। दोस्तों हमें कौन से वाले फ्लोर पे जाने हैं? और मुझे क्या पता। दोस्तों मैंने इनके एम्प्लॉयज को बात करते हुए सुना था, उन्होंने कहा था टीम रॉकेट B4 में है। अच्छा तो चलो B4 में चलते हैं। दोस्तों हमें ध्यान से फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा। ओए फूक फूक क्या रखते हैं? ओए फूक फूक। अरे पागल हो गया भैया। देखो जैसे मेहमान आए हैं। तुम लोग आ ही गए, हमें पता था तुम जरूर आओगे। ओए दादी जी साइड हट जाओ, हमें आगे जाना है। जैसे चलो इनसे लड़ते हैं। जाओ फीजें। जाओ आरपा। जाओ पिकाचु एंड वाटर टर्टल। माय माय मिस्टर माय। पिकाचु थंडरबोल्ट अटैक। बहुत बढ़िया पिकाचु। चारबॉक लसन फेंक के मारो। माय माय लसन मेरे मुंह पे चढ़ गया। जाओ आइविशोर। चारबॉक पिकाचु के मुंह में भी लसन फेंको। अरे पिकाचु नहीं। अरे पिकाचु भी फेंट हो गया। पिकाचु वापस आओ। आइविशोर व्हाई मी बटैक। वीजिंग पाद मार दो मुंह पे। जाओ वाटर टर्टल। ओए आइविशोर स्लैम अटैक मार दे। वीजिंग कीचड़ की उल्टी करो। ये कीचड़ लगने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? ओए जाओ साइड अप। अरे जैक भी आपको कोई और पोकेमोन नहीं मिला था क्या? ये कितना डरावना पोकेमोन है। चार बॉक इसे जल्दी से मार दो, मैं इसकी शक्ल नहीं देख पा रही, बहुत डरावनी और गंदी है। साइड अप वापस आओ। आइविशोर लीड सीड। ए ये लीड सीड बीच बीच में शक्तियां लेते रहेगा ना। पीसिंग एक गंदी सुसड़ी उल्टी फेंक के मारो। अब देखो लीड सीड क्या करेगा। उरी बहुत बढ़िया, उसने थोड़ी शक्ति ले ली, लेकिन कितनी देर के लिए ली होगी भाई? अरे दोस्तों मुझे लगता है हमें 4 मिलियन को भेजना चाहिए, उसका ड्रैगन रेज काम आ सकता है। हाँ तो भेजते हैं, जाओ 4 मिलियन। चार बॉक ग्लेयर अटैक से इसको पैरालाइज कर दो। अरे ये हमारा 4 मिलियन तो पैरालाइज हो गया। अरे कोई बात नहीं, एक दो मूवी नहीं मार पाएगा, लेकिन अपना आइविशोर तो टैकल मार सकता है। वीजिंग उल्टी करके इसको खत्म कर दो। अरे है हमारा आइविशोर तो पूरा गंदा हो गया और वो बेहोश हो गया। ओए दोस्तों हमें पिकाचु की जरूरत है, पिकाचु को पोषण देके जिंदा कर देते हैं। हाँ ठीक है पिकाचु आ जाओ। पिकाचु थंडरबोल्ट अटैक मार दो। चार बॉक अपना पॉइजन फिर फेंक के मारते रहो मारते रहो मारते रहो। अरे पिकाचु को फिर मार दिया भाई, ये क्या पंगा है। वीजिंग अपनी उल्टी से इन्हें गंदा करते रहो। उरे 4 मिलियन भी मर गया। नर्स जो है सारे पोकेमोन को जल्दी से ठीक कर दो। हाँ जल्दी से कर दो यार, हमें बहुत डर लग रहे हैं। बच्चों अगर आप यहाँ पे 1 सेकंड लेट होते तो आपके सारे पोकेमोन्स की जान जा सकती थी। शुक्र है हम बच गए, अब मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे दोस्तों हम ना एक साइकिक पोकेमोन पकड़ लेते हैं, क्योंकि हमारे पास साइकिक पोकेमोन नहीं है और यहाँ पे वो काम आ सकता है। अरे यहाँ तो सही कह रहा है। अरे ये कौन सा पोकेमोन है? ए ये तो उड़ रहा है, इसे देखो। दोस्तों हमें इसे जल्दी से पकड़ लेना चाहिए। हाँ मसाओ तो सही कह रहा है। ये आ रहा है, ये एक साइकिक पोकेमोन है, ये बड़े होके कडाब्रा बनता है और फिर ये एग्जाम भी बनता है। काश ये पकड़ा जाए। और ये तो बाहर आ गया। पूरे दोस्तों में इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, हमें इसे पकड़ना ही होगा, ये टीम रॉकेट को हराने में हमारे बहुत ज्यादा काम आ सकता है।
चलो दोस्तों अब छोड़ेंगे नहीं हम उस टीम रॉकेट को। ओए हाथ जल्दी चलो, उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। और इस बार गेम प्लान से मिस्टर माइम को अकेले लड़ने नहीं देंगे। मिस्टर माइम वापस आओ। मेरे ख्याल से मिस्टर माइम की जगह हमें ना आइविसोर को भेजना चाहिए। जाओ आइविसोर। पिकाचू थंडर शॉक अटैक। ये बच्चे हार नहीं मानेंगे जेसी, पता है। आरबॉग फिर से गार्लिक नान इनके मुंह पे मारो। यही तो मेरा गेम प्लान था। अरे क्या गेम प्लान था खजामा? कुल्ली करो वीजिंग। पिकाचू थंडर बोल्ट अटैक। दोस्तों हमें पहले ना वीजिंग को खत्म करना होगा वरना ये आरबॉग साइड से हमें मारता रहेगा। अरे पिकाचू तुम ठीक तो हो ना? अरे दोस्तों पिकाचू तो 1 एचपी पे बच गया। अरे मुझे लगता है मैं उस पे पोशन यूज करना चाहिए। जाओ पोशन यूज कर दिया मैंने उससे तो उसकी थोड़ी हेल्थ बढ़ जाएगी। दोस्तों वैसे मुझे लगता है ये एक इमोशनल डिसीजन था। मुझे नहीं लगता पिकाचू अब थोड़ा ज्यादा टिक पाएगा। कुल्ली करो वीजिंग, क्योंकि वीजिंग की कुल्ली बहुत ज्यादा जहरीली है। वापस आओ पिकाचू। अब तुम देखोगे हमारा तुड़प का इक्का। जाओ आबरा। तुम्हें पता नहीं है क्या, आबरा लेते ही उसे ट्रेन करना पड़ता है, ऐसे पहले मैच में नहीं फेंकते। ये लो बाइट अटैक। अरे आबरा भी गया। शिट गाइस, एआई विसोर का भी हार नहीं मारता। आई विसोर टैकल अटैक। जाओ चार्मिलियन। ओए आप खाओ चार्मिलियन का सबसे तगड़ा मूव ड्रैगन रेज। ओ हमारा प्लान काम आ रहा है, अब हम वीजिंग को साइड से उड़ा देंगे। ए इसने ग्लेज अटैक मार के चार्मिलियन को पैरालाइज कर दिया। आई विसोर लीड सीड, बीच बीच में पावर खींचते रहना। कुल्ली अटैक। उरे इसकी कुल्ली 4 मिलियन पे ज्यादा काम नहीं आई। अरे और हाँ आइविसोर को लीड सीड से शक्तियां भी मिल रही है बीच बीच में, जिससे आरबॉक की शक्तियां कम हो रही है। गार्लिक नान फेंको। मेरे प्लान के हिसाब से बस अब ये आइविसोर को मारे अटैक। और बस आइविसोर सहले। आइविसोर यस, आइविसोर टैकल अटैक। जेसी इससे तो तेरे आरबॉक को कुछ नहीं हुआ। ड्रैगन रेज अटैक। अरे जेसी इन लोगों ने साइड से वीजिंग को ड्रैगन रेज मार दिया और वीजिंग मर गया, ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और अब लीड सीड ने आरबॉक की शक्तियां भी खींच ली है। गार्लिक नान फेंको 4 मिलियन पे। टैकल अटैक। हाँ अब साइड से 4 मिलियन, 4 मिलियन पैरालाइज है। शिट। ए लेकिन ये बात बढ़िया होगी कि लीड सीड है उसकी पावर खींच ली। जेसी हमें जीतना ही होगा वरना जियोवानी सर के पास पहुंच जाएंगे ये लोग। आरबॉक एक और बार लसन फेंको, आइविसोर को खत्म कर दो। ए आइविसोर तो गया, अब क्या करे? 4 मिलियन हमें तुम्हारी जरूरत है, 4 मिलियन प्लीज। और लेकिन वो तो पैरालाइज है ना। जेसी ऐसा कैसे हो गया? पता नहीं जेम्स, हम पता नहीं कैसे हार गए। ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे ऐसा हारेंगे नहीं, हमारे हारे। अरे हमारा दिमाग मत खाओ, निकलो यहाँ से। पता नहीं पता नहीं पता नहीं पता नहीं क्या हो गया। पिका पिका निकलो यहाँ से। अरे पिकाचू हमें डरा रहा है, लगता है टीम रॉकेट एक बार फिर से हार गई। चलो दोस्तों जल्दी अंदर चलते हैं और क्यूबो उनको बचाते हैं। ए ये कौन है? पाजी तुसी, मैं आपकी रक्षा हमेशा करूंगा, आपको हमेशा बचाऊंगा, मुझे पता है बालक, पता है तभी मैंने तुम्हें इतनी ऊंची गद्दी दी है। चलो मैं चलता हूँ पाजी। अरे बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो तुम, निकलो यहाँ से। आज एक मैच कर, अगर हमने तुम्हें हराया तो मेरे को अपने बॉस से लड़ने दियो। ठीक है पाजी, आपके लिए मैं बच्चों को मार दूं। जाओ वीजिंग। अरे पूरी टीम रॉकेट के पास ही पदोड़ा ही पोकेमोन है क्या? जाओ चार्मिलियन। माय माय मिस्टर माय मारे तू पदू ये ले साइड में, बदला लूंगा तुझसे, तूने मेरे मुंह पे उल्टी करी थी ना। कितना गंदा आदमी है यार। जाओ साइडक। साई आई आई साइडक। जाओ पिकाचू। ओए पिकाचू यूज कर थंडर बोल्ट अटैक। अरे ये अटैक तो काफी इफेक्टिव था। वीजिंग पाजी स्लज बॉम। अरे स्लज बॉम से तो पिकाचू की भी हेल्थ काफी कम हो गई। पिकाचू थंडर बोल्ट अटैक। वीजिंग पाजी वापस आओ। जाओ गोल बैट बाइट अटैक। अरे बाइट अटैक से तो पिकाचू की हेल्थ खत्म हो गई। ए अब हम क्या करें? जाओ आइविसोर। उरी आइविसोर शायद टिक जाए। गोल बैट पाजी धुआं।
अरे धुआं तो बहुत इफेक्टिव था। वन भी पड़ा आईविसोर। अरे उससे तो कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों मुझे लगता है आईविसोर के अटैक इस पे काम नहीं आएंगे, तो हमें आईविसोर को वापस बुला लेना चाहिए। जाओ चार मिलियन। चार चार। अरे पिछले मैच का तो 4 मिलियन हीरो था। गोल्ड बैट पाजी एक और धुआं और खत्म कर दो इस 4 मिलियन को। अरे 4 मिलियन तो अभी भी लड़ना चाहते है। ओए ड्रैगन रेज। अरे ड्रैगन रेज से गोल्ड बैट भी मर गया भाई। 4 मिलियन तो ओपी इन द चार्ट गाइस। अरे मैं हार कैसे गया पाजी, मैं किसी लायक नहीं, मैं अभी नौकरी से इस्तीफा देता हूँ। तू इस्तीफा क्या देगा, मैं तुझे नौकरी से निकालता हूँ। चलो हो जाए। एक काम कर बच्चे, तू चाहे अपने पोकेमोन्स को फुल हेल्थ कर ले और फिर लड़ ले मुझसे, तो भी तू नहीं जीत पाएगा। माँ चाहिए मुझे माँ। बच्चे तुझे लग रहा है तू बहुत आसानी से यहाँ से बच के निकल जाएगा, लेकिन अगर तू हारा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। दोस्तों मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। सेम। हाँ भाई मुझे भी लग रहा है यार। ए अब हम क्या करें? जाओ पर्शियन। जाओ पिकाचू। पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक। बस इतनी सी बात, खरोच मार। अरे दोस्तों ये खरोच ने पिकाचू की आधी एचपी खा ली, हमें पोशन यूज करना चाहिए वरना पिकाचू मर जाएगा। पिकाचू क्या तुम ठीक हो? पिका पिका पर्शियन एक और खरोच मारो। अरे पिकाचू तो 5 HP में बचा यार। एक और खरोच। अरे पिकाचू 1 HP में बच गया। ओ ऐसा ही मौका है पिकाचू, थंडरबोल्ट अटैक। यस दोस्तों हमारा गेम प्लान काम आ गया, वो पैरालाइज हो गया। पर्शियन हेलो हेलो पर्शियन। हाँ वो नहीं हिल सकता। पिकाचू एक और थंडरबोल्ट अटैक मारो और इस पर्शियन को खत्म कर दो। लेट्स गो, हमने पर्शियन को मार दिया। उरी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दोस्तों, बस अब एक और पोकेमोन। ये तो मेरा कमजोर पोकेमोन था। ये कमजोर था? जाओ रायन। अरे ये तो बहुत तगड़ा पोकेमोन है। पिकाचू स्लैम अटैक। ए हाँ इसमें बिजली के झटके मारेंगे तो वो काम नहीं आएगा, इसलिए तूने ग्राउंड टाइप अटैक मारा ना। इस मूव से नहीं बच पाओगे, ड्रिल रन। अरे पिकाचू, पिकाचू तो फेंट हो गया। पिकाचू वापस आओ। दोस्तों हमारे पास सिर्फ एक ही पोकेमोन बचा है। हाँ आईविसोर जाओ। दोस्तों पहले लीड सीट कर देते ताकि बीच बीच में ये उसकी शक्तियाँ चूसते रहे। हाँ वो तो पता ही है। ये आईविसोर तो क्या, ड्रिल रन अटैक। अरे इसने उसकी आधी पावर्स ले ली, लेकिन लीड सीट ने उसकी आधी पावर्स और चूस ली। मेरे सारे ओपोनेंट तो 2 ड्रिल रन में कब के हार जाते हैं, लेकिन ये बच्चा अभी भी कैसे टिका हुआ है। अरे इसने रायन हॉर्न की इतनी सारी हेल्थ कैसे ले ली? क्या आखिरी ड्रिल रन है, इसमें तो से पक्का मर जाना चाहिए। जाओ। अरे वाइन वेप अटैक कर दो आईविसोर और खत्म कर दो इस रायन हॉर्न को। Let's go! Let's yes, go! Yes! Yes! Yeah. लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानता। मान लिया बच्चे, तुम जीत गए। ले जाओ तुम इस घटिया से क्यूबोन को, मुझे नहीं चाहिए। और हाँ एक गिफ्ट भी देना चाहता हूँ तुम्हें, ये बाइनाकुलर्स। इससे तुम अगर किसी भी भूत को देखोगे तो मैं उस भूत की असली सच्चाई पता चल जाएगी कि वो पहले क्या था। मैं ऐसी तुम्हें गिफ्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को आज तक किसी ने नहीं हराया। तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे हराया है, तुम डिजर्व करते हो ये। लेकिन मैं तुमसे जरूर मिलूंगा फिर से। मां के पास चलो। चलो दोस्तों जल्दी से क्यूबोन का पीछा करते हैं। हाँ चलो, मजा आएगा, उसको उसकी माँ से मिला देंगे हम लोग। चलो दोस्तों हम फाइनली इस भूत के पास आ गए हैं। अरे हाँ लेकिन अरे अरे ये क्या है? ये तो वही भूत है। ओए इससे तो पिकाचू डरता है। ये क्या बे, मैं तो जा रहा हूँ। मुझे अरे दोस्तों चलो चेक करते इस बाइनोकुलर से, क्या पता मैं इसकी भूत की सच्चाई पता चल जाए। अरे ये क्या हो रहा है? अरे इसकी लाइट पड़ती, भूत को क्या हो रहा है? अरे ये तो क्यूबोन है। अबे ये क्या बे, मैं ये तो मेरी माँ है। अच्छा ये इसकी माँ है। अबे लगता है इसकी माँ को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अबे शिनचान मैं इस क्यूबोन को अकेला नहीं छोड़ सकता। एक काम करता हूँ, मैं इस क्यूबोन को अपने साथ ले जाता हूँ। तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं मुझे क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है, वैसे भी उस क्यूबोन को किसी की जरूरत तो है ही। सही हाँ ठीक है, तो मैं इसको ले जाता हूँ। ठीक है तो हम लोग कभी और मिलेंगे। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। अलविदा दोस्त। ठीक है निकल यहाँ से। चले दोस्तों हम भी चलते हैं। अरे देखो यहाँ पे एक असली है, इसे पकड़ लेते हैं।
हमारे बहुत काम आ सकते हैं अलग अलग जिम्स में। और यहाँ जहाँ पे साइकिक पोकेमोन होंगे वहाँ पे हमारे घोस्ट टाइप पोकेमोन काम आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, चलो इसे पकड़ लेते हैं। पोकेबॉल जाओ। अरे कहाँ फेंक रहा है बो, जमीन पे क्यों फेंक रहा है, अल्ट्रा बॉल्स को ना वेस्ट मत कर। हाँ भाई बो पागल है क्या? अरे सॉरी दोस्तों। जाओ पोकेबॉल, काश पकड़ में आ जाए। अरे तो बाहर आ गया। ओए मैं ट्राई करता हूँ इस बार। अरे काश पकड़ में आ जाए। हाँ हाँ आ जाएगा आ जाएगा। यस चलो दोस्तों चलते हैं यहाँ से। अरे देखो यहाँ पे कितना बड़ा हॉन्टर है। ए ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। अरे हाँ चलो दोस्तों इसे पकड़ लेते हैं। हाँ लेकिन इसमें कुछ रेड रेड आ रहा है ना, इसे पहले कुछ खिला देते हैं। हो मैंने इसको ननाब बेली खिला दी। हाँ लेकिन वो इस बार अच्छे से अल्ट्रा बॉल फेंकी हो। मैंने फेंकी तो है, देखते हैं काश पकड़ में आ जाए। हाँ लेकिन आएगा नहीं ना, ये पहली बार में कैसे आएगा इतना बड़ा हॉन्टर। ए अगर हमने इसे पकड़ लिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ये, लेकिन चांसेस कम ही है। हाँ वो तो है ही सही। दोस्तों लग रहा है इस बार पकड़ में आ जाएगा। काश आ जाए भाई। अरे फिर से बाहर आ गया। ए अब हम क्या करें? ओए रुको मेरे को फेंकने दो, पिछली बार भी मैंने ही पकड़ा था। ओए पोकेबॉल जाओ। दोस्तों अगर पकड़ में आ गया तो मैं अपने बाल टकले करवा दूंगा। अरे लेकिन तू पहले ही टकला है। ओए पकड़ में आ गया। दोस्तों अचानक से ये क्या होने लग गया? अरे कोई पोकेमोन इवॉल्व हो रहे। अरे ये तो हमारा आबरा इवॉल्व हो गया। कांग्रेचुलेशंस योर आबरा हैज इवॉल्वड इनटू कजाबरा। दोस्तों चलो लेवेंडर टाउन के बाहर चलते हैं। अरे हम एकदम से हॉन्टर के ऊपर कैसे आ गए? हॉन्टर कितना प्यारा है भाई। हां हॉन्टर हमें अपनी सवारी करवा रहा है। ए ये तो बहुत ही गोटेड बात हो गई। तो गाइस अगर आपको जानने के बाद क्या हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो ताकि जैसे ही हम अगली वीडियो डालें आप लोगों को पता चल जाए। हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।